हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फैंटेसी विनर। आज जो हम लोग बात करेंगे, एक तरफ देखने को मिल जाएगा इंग्लैंड ओमैन एंड दूसरी तरफ देखने को मिल जाएगा न्यूजीलैंड ओमैन। देख लेंगे आज का मैच प्रेडिक्शन, कौन कौन ऐसा खिलाड़ी होने वाला है, यानी ये ओमैन खिलाड़ी होने वाला है जो कि आज का मैच में तहलका मचा सकता है, कौन मतलब मचा ही सकता है, और कौन कौन ऐसा खिलाड़ी होने वाला जो कि आज का मैच में आपको फ्लॉप होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। हर एक चीज़ जो है डीपली एनालिसिस करके बताएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग बात कर लेंगे कि हम लोग किस किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे क्या होने वाला है मैच प्रेडिक्शन, स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, एंड लास्ट में देखेंगे फ्री गिवअवे, यानी कि फ्री गिवअवे में आप क्या से पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ में देखेंगे ये जो मैच होगा, थर्ड T20I मैच होने वाला है जो कि रात को 11 बजे स्टार्ट होने वाला है। कितना तारीख को? 11 तारीख को। कुल मिलाकर आपको जो टॉस है 10:30 को दिख जाएगा, 10:35 को जो है आपको लाइनअप दिख जाएगा, और होपफुली 10:30-40 से लेकर 45 के अंदर जो आपको फुल एंड फाइनल टीम कम्बिनेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। ये जो मैच खेला जाएगा कहाँ पर होने वाला है? एसटी लॉरेंस ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है। फिलहाल के लिए चलेंगे हम लोग सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे कुछ ऐसा खिलाड़ी जो कि आज का मैच में आपको एज ए ट्रम्प कार्ड के हिसाब से देखने को मिल सकता है। साथ में कुछ ऐसा खिलाड़ी भी हो सकता है जो कि आज का मैच में आपको फ्लॉप होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। पहले दिख जाएगा यहां पर से एमली केर, सोफी डिवाइन एंड टाहू हो, ये कुछ खिलाड़ी होने वाला जो कि आज का मैच में आपको तहलका मचाता हुआ भी दिख सकता है, फ्लॉप होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिले स्काइवर एंड हेली किंग एंड डेन, ये कुछ खिलाड़ी होने वाले। इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि आज का मैच में आपको तहलका मचाता हुआ देखने को मिल जाएगा? फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कुछ ऐसा जो कि हेड टू हेड का ड्रीम टीम, यह हेड टू हेड का ड्रीम टीम होने वाला है कि हेड टू हेड जब भी दोनों टीम आमने सामने टकराया है तो ड्रीम टीम हमेशा के ऐसा देखने को मिला था। यहाँ पर दिख जाएगा डेन कैप्टन बना था, वाइस कैप्टनसी केर बना था। दूसरी तरफ देखेंगे तो ग्लेन कैप्टन बना था, वाइस कैप्टनसी वार्ड बना था। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन फैक्टर की खिलाड़ी यहाँ पर ढूंढेंगे तो यहाँ पर से बाउचर एक कॉमन दिखेगा, गाजा नहीं है। स्काइवर, तो स्काइवर एक कॉमन है, केप्सी नहीं है, केप्सी एक ही बार आया था। टाहू जो है दो बार देखने को मिला है, स्क्लेस्टोन एक ही बार देखने को मिला, एल बेल 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 कैम्प और कोई कुछ खास खिलाड़ी देखने को नहीं मिल रहा है जो कि बार बार ड्रीम टीम का हिस्सा में आया हुआ था। फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कि जब भी इस ग्राउंड पर मैच हुआ है या ग्राउंड का डेप्थ एनालिसिस देखेंगे, उससे पहले बताना चाहूँगा जो जो भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही में टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर देकर रखा है। इनके ऊपर क्लिक करते हुए आप सीधा ये वाला चैनल पर आ जाएंगे, नीचे जो है ज्वाइन वाला बटन में क्लिक करके जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर से आपको फुल एंड फाइनल टीम कम्बिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल के लिए चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड का डेप्थ एनालिसिस क्या होने वाला है। इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर 140 से लेकर 150 होने वाला है, हाईएस्ट टोटल 176 हुआ है, लोएस्ट टोटल 104 रन हुआ है इस ग्राउंड पर। यहाँ पर टोटल मैच की बात करेंगे तो टोटल मैच 3 खेला गया, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 2 बार जीता, बैटिंग सेकंड ने 1 बार जीता, यानी कि बैटिंग सेकंड का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। दूसरी तरफ वर्ल्ड कप यानी कि मतलब ओमेन T20 का अगर स्कोर पैटर्न चेक करेंगे तो 150 से नीचे 2 बार और यहाँ पर 170 से लेकर 190 के बीच में 1 बार, मतलब ऑलमोस्ट 140-150 के आसपास ही जो आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कि जब भी इस ग्राउंड पर मैच हुआ है तो कुछ कैसा देखने को मिला था अपना स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर SCS CS के बीच में मैच हुआ था, जहाँ पर फर्स्ट इनिंग पेसर छः स्पिनर एक, सेकंड इनिंग में पेसर ने 3, स्पिनर ने 4 विकेट, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा 122 किया था जो कि चेसिंग करता हुआ मैच विन कर लिया। दूसरी तरफ SCS CS सेम मैच हुआ, जहां पर फर्स्ट इनिंग में मैच जीता, फर्स्ट इनिंग पेसर 3, स्पिनर 3, सेकंड इनिंग पेसर 1, स्पिनर 6 विकेट, यानी कि कुल मिलाकर सेकंड इनिंग में स्पिनर का आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस मैच में एक ऐसा खिलाड़ी है जिनको आप अपने ग्रैंड लीग टीम में आसानी से कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रेफर करके चल सकते हैं, वो कौन है आगे चलकर बताएंगे। फिलहाल के लिए देख लेंगे इस ग्राउंड में सबसे ज़्यादा विकेट कौन कौन सा पर्टिकुलर बॉलर ने निकाला है। लास्ट 2 मैचों के अंदर पेसर ने 13 विकेट, स्पिनर ने 14 विकेट, स्पिनर का आंकड़ा ज़्यादा है। लेग ब्रेक, राइट हैंड लेग ब्रेक ने 5 विकेट, लेफ्ट आर्म चाइनामैन 0, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 5 एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक ने 4 विकेट निकाला इस ग्राउंड से। राइट आर्म फास्ट पेसर के अंदर राइट आर्म फास्ट 0, राइट आर्म फास्ट मीडियम 2, राइट आर्म मीडियम 9, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम ने 2 विकेट। यहाँ पर पेसर के अंदर सबसे ज़्यादा राइट आर्म मीडियम आ रहा है और स्पिनर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी को इक्वलिटी मिला है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन को अगर इस जगह से हटा दे तो। आगे चलेंगे फिलहाल के लिए नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, यानी कि दोनों टीमों का हेड टू हेड बैटल क्या होने वाला है। इन दोनों के बीच में टोटल 32 मैच खेला गया, जिसमें से अपने इंग्लैंड 25 बार जीता है, न्यूजीलैंड 7 बार जीता, यानी कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा फीका लग रहा है इंग्लैंड के सामने। दूसरी तरफ रिसेंट 5 मैचों की बात करेंगे तो इंग्लैंड जो है कंटिन्यूसली 5 के 5 मैच विन किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो 5 में से 4 मैच विन किया, मतलब हारा है, 1 मैच जीता है। जितने का परसेंटेज 60-40 होने वाला है। फिलहाल के लिए चलेंगे हम लोग सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे
क्या होने वाला है दोनों टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग 11। पहले दिख जाएगा यहाँ पर से व्हाट एंड बाउचर ओपन करता हुआ, फिर स्काई पर दिख जाएगा आपको ऑन डाउन पर तीन ओवर बॉलिंग डला सकता है, फिर आपको देखना होगा नाइट एक आध ओवर बॉलिंग डाल सकता है, अगर मान के चलो विकेट नहीं गिर रहा है तो उस दौरान पे बॉलिंग करा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। गिब्सन की बात करेंगे राइट हैंड बैट राइट आर्म मीडियम, केप्सी राइट हैंड बैट राइट आर्म ऑफ ब्रेक, चार ओवर कंप्लीट करके जाएगा, तगड़ा खिलाड़ी है। वहीं पर जॉन्स की बात करेंगे तो राइट हैंड बैट विकेट कीपर, डेन की बात करेंगे राइट हैंड बैट राइट आर्म ऑफ ब्रेक, दो से लेकर तीन ओवर बॉलिंग डलाएगा। स्क्लेस्टोन अपना चार ओवर कंप्लीट करके जाएगा, ग्लेन की बात करेंगे ये भी अपना चार ओवर कंप्लीट करके जाएगा, और बेल ये भी अपना चार ओवर कंप्लीट करने का चांसेस है, जरूरी नहीं कि करेगा, चांसेस हो सकता है। दूसरी तरफ हम लोग बात कर लेंगे तो आपको देखने वाले बेट्स एंड प्लीमर ओपन करता हुआ, ऑन डाउन पर आपको देखने को मिल जाए एमली केर, टू डाउन पर आपको देखने को मिल जाएगा सोफी डिवाइन। यहाँ पर एमली केर बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी होने वाला है, तीन ओवर पकड़ के चलो कि बॉलिंग डालेगा, और सोफी डिवाइन अपना चार ओवर कंप्लीट करके जाएगा। वहीं पर ग्रीन की बात करेंगे तो ग्रीन ठीक ठाक खिलाड़ी है, एवरेज खिलाड़ी है, टीम में प्रेफर करके चलो सी बी सी प्रोवाइड नहीं करेंगे, सी बी सी का यहाँ पर एमली केर एंड सोफी डिवाइन, यहाँ पर से ब्रांड और कोई को देखते केप्सी है, मतलब चार खिलाड़ी बेस्ट है और यहाँ पर से स्क्लेस्टोन एक है, यानी कि पांच खिलाड़ी बेस्ट है। दूसरी तरफ ग्रीन हो गया, और यहाँ पर से हेल्दी की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड बैट राइट आर्म मीडियम, बॉलिंग मुझे नहीं लग रहा कुछ खास तरीके से कराएगा। फिर आपको गाजे की बात करेंगे राइट हैंड बैट विकेट कीपर, और उसके बाद आपको देखने को मिल जाए केर जो है आपको दो से लेकर तीन ओवर बॉलिंग डालता हुआ दिख जाएगा। टाहू की बात करेंगे अपना चार ओवर कंप्लीट करके जाएगा, और पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, साथ में डेथ में भी बॉलिंग करता हुआ दिख जाएगा। वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कासापेर राइट हैंड बैट राइट आर्म ऑफ ब्रेक, ठीक ठाक खिलाड़ी है, टीम में ले चलो सी बी सी अपने साइड से प्रोवाइड नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आपको देखना, फिर आपको देखना जो रोही ठीक ठाक खिलाड़ी है, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, स्टार्टिंग एंड डेथ में आपको बॉलिंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे क्या होने वाला रिसेंट परफॉर्मेंस अपना न्यूजीलैंड का। पहले आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा बेट्स 4-43-24-5-16 हेड टू हेड में 28 मैच में 581 के साथ एवरेज 21 का 3 विकेट निकाला है, ग्राउंड पर मैच नहीं है, ठीक ठाक खिलाड़ी है, ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा, उससे ज़्यादा कुछ प्रेफर ना करो तो बेहतर है। दूसरी तरफ प्लिमर की बात करेंगे राइट हैंड बैट बैटिंग मतलब नहीं खेला था, 1 रन 7 रन 3 रन 29 3 मैच में 5 रन का पारी दिया है, ग्राउंड में कोई भी मैच नहीं खेला है, फ्लॉप होता हुआ गारंटेड दिख रहा है क्योंकि हेड टू हेड में 3 मैच में 5 रन तो फ्लॉप होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरफ एमली के राइट हैंड बैट लेग ब्रेक 1 के साथ 2 विकेट 18 के साथ 0 57 के साथ 1 43 के साथ 0 10 के साथ 0 हेड टू हेड में 10 मैच में 119 के साथ 9 विकेट निकाला है, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन होने वाला है एमली केर, क्योंकि आपको बॉलिंग करता हुआ भी दिख जाएगा, साथ में ऑन डाउन पर बैटिंग करता हुआ भी देखने को मिल जाएगा, तो उसी वजह से जो एमली केर को आप अपना टीम में जरूर से जरूर लेकर चलना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले दिख जाएगा सोफी डिवाइन 9 के साथ 0 0 के साथ 0 43 के साथ 0 28 के साथ 0 13 के साथ 0 हेड टू हेड की बात करेंगे 23 मैच में 434 के साथ एवरेज 21 का 14 विकेट निकाला है ग्राउंड में मैच नहीं एक भी नहीं खेला है। डिवाइन की बात करेंगे तो डिवाइन भी एक कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि टू डाउन पर बैटिंग पर आ जाएगा, साथ में अपना चार ओवर कंप्लीट करके जाएगा, तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी का भी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर से नजर आ जाता है सोफी डिवाइन। दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा ग्रीन की 5-0-5-30-2 हेड टू हेड में 15 मैच में 149 के साथ एवरेज 12 का, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है, मैं खास तरीके से प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन अगर मान के चलो कि न्यूजीलैंड का टीम पहले बैटिंग कर रहा है उस दौरान मैं अपना टीम में जगह बनाकर दूंगा, होपफुली ज्यादा से ज्यादा ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा, उससे ज्यादा मैं कुछ खास प्रेफर नहीं करूंगा। दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा हेलिडे की लेफ्ट हैंड बैट राइट आर्म मीडियम 14-17 के साथ 0 31 के साथ 1 6 के साथ 1 51 के साथ 1 विकेट, ग्राउंड में 10 मैच में 86 के साथ 1 विकेट निकाला है, मतलब हेड टू हेड में ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला, हेड टू हेड का कुछ खास प्रदर्शन नहीं है, होपफुली ड्रॉप करके चलेंगे तो ही हम लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा पहले ही गाजी 8-0-4-0-12 हेड टू हेड में 4 मैच में 12 रन, ग्राउंड में एक भी मैच नहीं खेला है, मुझे थोड़ा बहुत डाउटफुल रहूंगा इसको, और होपफुली मैं अपना टीम से ड्रॉप करके भी चलूंगा, और होपफुली आप लोग भी ड्रॉप करके चलेंगे तो ही बेस्ट होने वाला है। केर की बात करेंगे 0 के साथ 0 38 के साथ 0 14 के साथ 0 10 के साथ 0 3 विकेट हेड टू हेड में 8 मैच में 63 के साथ 2 विकेट निकाला है, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है, बहुत नीचे बैटिंग करना आता है, बैट्समैन बहुत ही तगड़ा है, मतलब बैटिंग भी बहुत तगड़ा कर लेते हैं, अगर थोड़ा ऊपर बैटिंग करने का मौका मिल जाए या तो फिर बॉलिंग भी डलाए ठीक ठाक है, उतना भी खास तरीके से प्रेफर ना करो तो ही बेहतर है, मैंने ये दूसरा केर समझ लिया था तो उसी वजह से थोड़ा रॉन्ग वे में चला गया था। ये राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करता है तो मैं थोड़ा सा ड्रॉप करने का कोशिश करूंगा। टाहू की बात करेंगे राइट आर्म फास्ट मीडियम 2 विकेट 17 के साथ 2 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट हेड टू हेड में 11 मैच में 10 विकेट, ग्राउंड में मैच नहीं है, ये आराम से 1 विकेट लेता हुआ तो देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि 11 में 10 विकेट उसके हिसाब से होपफुली 2 विकेट भी लेकर जाने का चांसेस आपको दिख सकता है टाहू का। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले ही आपको दिख जाएगा कैस्पर
एक विकेट 25 के साथ 3, 24 के साथ 0, एक विकेट 16 के साथ 1 विकेट। ग्राउंड में 9 मैच में 14 विकेट, मतलब हेड टू हेड में ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सी पी से थोड़ा सा रिस्की चॉइस होगा। अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो वाइस कैप्टनसी तक प्रेफर कर सकते हो। वहीं पर रॉय की बात करेंगे, एक विकेट 9 के साथ 2, 0 के साथ 0, 3 विकेट 16 के साथ 1, हेड टू हेड में 8 मैच में 21 के साथ 4 विकेट, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। उस हिसाब से ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोई कुछ खास तरीके से प्रेफर नहीं करूंगा। फिलहाल के लिए चलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट और देख लेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ में कौन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। स्टार्टिंग में डिवाइन एमली केर एंड केर, एंड दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा टाहू एमली केर एंड जे केर डेथ में दिख जाएगा। बेंच में कुछ खिलाड़ी होने वाला है, इनमें से प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर जॉन्स को लेकर आने का चांसेस बन सकता है, बाकी अदर कोई खिलाड़ी मुझे नहीं लग रहा। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे इंग्लैंड की तरफ से, और उससे पहले बताना चाहूँगा माई मास्टर 11 एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर से आप इजीली अपना लॉस कवर कर सकते हो। साथ में आप जो है, क्योंकि माई मास्टर 11 आपको प्रोवाइड करता है 100% बोनस एलिजिबल कॉन्टेस्ट, लो कंपटीशन, लो एंट्री फीस, साथ ही में आपको प्रोवाइड करता है हर रोज़ 50,000 का फ्री गिवअवे, जहाँ पर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरा 5 टीमों के साथ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके अलावा माई मास्टर 11 आपको प्रोवाइड करता है नो GST, नो TDS, इतना सारा ऑफर माई मास्टर 11 आपको प्रोवाइड करता है कि आप लेते लेते थक जाओगे, माई मास्टर 11 देते देते नहीं थकेगा। और हाँ, और एक चीज़, अगर आप अभी माई मास्टर 11 को डाउनलोड करना चाहते हो और ये वाला रेफर कोड यूज़ कर लेते हो शकील44, तो आपको जो है फैंटेसी विनर की तरफ से 200 रुपये का एक्स्ट्रा रियल कैश दिया जाएगा, जिनके साथ आप इजीली कोई भी कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो देरी की इस बात का, जल्दी जाओ जाकर माई मास्टर 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर देकर रखा है। फिलहाल के लिए आपको ओपन करता हुआ इंग्लैंड की तरफ से वॉट 076 बैटिंग नहीं है, मतलब नहीं खेला था 34 रन, हेड टू हेड में 26 मैच में 346 के साथ एवरेज 20 का 10 विकेट निकाला है, ग्राउंड में एक मैच में 2 विकेट निकाला, ठीक ठाक है। टीम में ले चलो, सीबीसी प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंग्लैंड का टीम पहले बैटिंग हुआ उस दौरान एक आदमी ट्राई कर सकते हो। बाउचर की बात करेंगे, 23, 32, 19, 100, 67, हेड टू हेड में 6 मैच में 85 रन, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। बाउचर को लेकर मैं थोड़ा सा डाउट में रहूँगा, मुझे नहीं लग रहा मैं खास तरीके से प्रेफर करूंगा, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा, उससे ज़्यादा कुछ प्रेफर नहीं करो तो ही बेहतर है। स्काइबर की बात करें, 11 के साथ 1, 47 के साथ 0, 76 के साथ 0, 2 के साथ 0, 1 विकेट, हेड टू हेड में 18 मैच में 323 के साथ एवरेज 25 का 17 विकेट निकाला, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला। स्काइबर की बात करेंगे, ठीक ठाक है, टीम में ले चलो, सीबीसी अपने साइड से प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो लोग रिस्क टेकर हो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट होने वाला है। उसका पीछे का रीज़न यही है क्योंकि आपको ऑन डाउन पर बैटिंग करता हुआ देखेगा, साथ में 4 ओवर बॉलिंग करता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले दिख जाएगा यहाँ पर से नाइट 15, 4, 9, 9, 9, हेड टू हेड में 11 मैच में 216 के साथ एवरेज 33 का 7 विकेट निकाला है, ग्राउंड में मैच नहीं है। हेड टू हेड में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा, एक आध में सी वी सी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर पिच में ये बॉलिंग करते हुआ भी दिख जाएगा 2 ओवर, अगर 2 ओवर में विकेट मिल गया तो 4 ओवर भी कंप्लीट करा सकता है। दूसरी तरफ केएफसी 28 बैटिंग नहीं है, 35 के साथ 0, 1 विकेट, 39 के साथ 0, 4 मैच में 56 रन, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। केएफसी की बात करेंगे, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग डालेगा, बैटिंग आया तो फोड़ देगा, यानी कि दोनों तरफ आपको बैलेंस करता हुआ देखने को मिल जाए केएफसी, लेकिन लास्ट कुछ मैचों में देखेंगे तो विकेट नहीं मिला है उतना खास तरीके से। जॉन्स की बात करेंगे, 4 बैटिंग नहीं है 50 बैटिंग नहीं है 15 मैच में 146 रन, ग्राउंड में मैच नहीं है, खास तरीके से प्रेफर नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप भी ड्रॉप करके चलो तो ही बेहतर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले ही आपको दिख जाएगा यहाँ पर से गिब्सन 0, 15 के साथ 1, 0, 40 के साथ 1, 13 के साथ 1, हेड टू हेड में 1 मैच में 0, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। गिब्सन में थोड़ा सा डाउट है, ड्रॉप करके चलो बेस्ट होने वाला है। दूसरी तरफ डेन की बात करेंगे, 2 विकेट 2 विकेट 0, 2, 4, हेड टू हेड में 2 मैच में 4, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। डेन कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, अगर इंग्लैंड का टीम पहले बॉलिंग करता है उस दौरान जो है आपको डेन एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरफ सॉफिस क्लेस्टन की बात करेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 1 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड में 13 मैच में 18 विकेट, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। डिवाइन की बात स्क्लेस्टन की बात करेंगे, आप इनको भी एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन से अपना टीम में प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी स्पिनर है, विकेट टेकर बॉलर है, कभी भी विकेट लेकर जा सकती है, तो उसी वजह से जो है आप आराम से स्केलेस्टोन को एक आधे टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रेफर कर सकते हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहले ही आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा ग्लेन, 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 5 के साथ 1, हेड टू हेड में 10 मैच में 14 विकेट, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ खास तरीके से प्रेफर नहीं करूंगा। दूसरी तरफ बेल की बात करेंगे, 1 विकेट 5 विकेट 0 1 0,
हेड टू हेड में एक मैच में एक ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा उससे ज़्यादा मैं कुछ खास तरीके से प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन अगर इंग्लैंड का टीम पहले बॉलिंग करते हैं उस दौरान एक या दो टीम में जो है कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रेफर करके चल सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ। स्काइवर, स्क्लेस्टोन एंड बेल एंड डेथ में देख जाएगा डेन ग्लेन एंड उसके साथ बेल। बेंच में कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनमें से होपफुली प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर डंगली आने का चांसेस हो सकता है, उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई भी आएगा, बस उन्हीं का आने का चांसेस हो सकता है। आगे चलेंगे फिलहाल के लिए नेक्स्ट और देख लेंगे कि क्या कैसा होने वाला अपना टीम कम्बिनेशन। विकेट कीपर में रखेंगे जॉन्स, बैटिंग में रखेंगे वॉट एंड बाउचर, ऑलराउंडर में रखेंगे स्काइवर, डिवाइन, केयर एंड डेन, बॉलिंग में रखेंगे स्क्लेस्टोन, टाहू एंड ग्लेन। फिलहाल के लिए कैप्टन है अपना स्काइवर, वाइस कैप्टनसी है इमली केयर। और इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस करेंगे ना तो उसका भी अपडेट जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कुछ ऐसा खिलाड़ी जो कि इस मैच में आपको एज ए ट्रम्प कार्ड के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, साथ में कुछ ऐसा खिलाड़ी जिनको आप अपना टीम में आराम से एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर प्रेफर कर सकते हो। पहले दिख जाएगा स्काइवर, केएफसी, डेन, एमली केयर एंड सॉफी डिवान, ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनको आप अपना टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर प्रेफर कर सकते हो। एंड दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा एज ए ट्रम्प कार्ड के हिसाब से जिनको आप स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग दोनों में यूज करते हो, पहले दिख जाएगा कस्पिर्क एंड उसके साथ गिब्सन, जॉन्स एंड बेल एंड उसी के साथ साथ एलिडे, ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनको आप अपना टीम में एज ए कैप्टन वाइस मतलब एज ए ट्रम्प कार्ड के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो दोनों टीम में जो है आप इनको एज ए ट्रम्प कार्ड के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन का, वो तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर ही दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। वीडियो कैसे लगाए नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताते हुए जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर जाइएगा ताकि जैसे मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप भी जो अपना फर्स्ट व्यूअर बन सके। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।